तो मैं अपने वर्ल्ड में घूम ही रहा होता हूँ कि मुझे एक विलेज दिखता है और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी, तो मैं सोचता हूँ आज की रात इसी विलेज में गुजारता हूँ। तो मैं इस विलेज के एक घर में जाके सो जाता हूँ और रात में इस विलेज में विलेजर्स का हमला हो जाता है। और वो विलेजर्स सारे विलेजर्स को मार देते हैं और मुझे कर देते हैं वो प्रिजन के अंदर बंद, जो कि उनके आउटपोस्ट के बगल में ही होता है। और इस वीडियो में मैं इस प्रिजन से एस्केप करने का ट्राई करूंगा, तो क्या मैं इस प्रिजन से एस्केप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो अभी मुझे सबसे पहले इस जगह से बाहर निकलना था, बट यहाँ आसपास कोई ऐसा आइटम नहीं था जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। तभी मैं अपना F5 बटन दबाता हूँ और यहाँ मुझे ऊपर एक चेस्ट दिखती है और इस चेस्ट के अंदर से मुझे 3 लॉग मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं इन लॉग से प्लैंक बना लेता हूँ और उनसे क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और एक बोर्ड बना लेता हूँ, और बोर्ड की हेल्प से मैं इस जगह से बाहर आ जाता हूँ। और यहाँ मुझे दिख रही थी एक आइस जिसे मैं हाथ से तोड़ता हूँ तो यहाँ पर वाटर आ जाता है, और यहाँ सामने एक छोटा सा रास्ता था तो मैं इस वाटर की हेल्प से इस रास्ते में चले जाता हूँ। और इस रास्ते से मैं जा ही रहा होता हूँ कि मुझे एक हॉपर दिखता है और इस हॉपर के अंदर से मुझे क्रॉसबो मिलता है जिसमें मल्टी शॉट की एन्चेंटमेंट लगी हुई थी और एक एरो भी मिलती है। और इसके आगे था दूसरा रूम जहाँ पर लगे हुए थे 3 टारगेट ब्लॉक और 3 डिस्पेंसर। तो मैं इस रूम पे आता हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन तीनों टारगेट ब्लॉक में कैसे मारूं कि तीनों डिस्पेंसर से मुझे सामान मिल जाए। कि तभी मुझे याद आता है मुझे एक क्रॉसबो मिली थी जिसमें मल्टी शॉट की एन्चेंटमेंट लगी हुई थी और यहाँ पर एक रेडस्टोन भी लगा हुआ था, तो शायद मुझे यहीं से क्रॉसबो चलाना था। और मैं इस रेडस्टोन के ऊपर खड़े होकर क्रॉसबो चला देता हूँ तो मुझे एक फेंस, एक लीड और एक चिकन एग मिलता है। और इस जगह से मुझे वहाँ सामने एक रास्ता दिख रहा था और यहाँ पर एक होल भी था जिससे मुझे एक चेस्ट दिख रही थी, पर मैं इस चेस्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। और यहाँ हवा में एक बेडरॉक भी लगा हुआ था, तो तभी मुझे याद आता है कि जो सामान मुझे डिस्पेंसर से मिला था मैं उससे हवा में एक प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ, और मैं इस सामान की हेल्प से यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। और इस चेस्ट के अंदर से मुझे एक एंडर बल मिलती है और इस एंडर बल का यूज करके मैं सामने वाले रास्ते पे चला जाता हूँ। और यहाँ से आगे एक और रूम था और इस रूम पे फर्नेस रखा हुआ था और एक चेस्ट रखी हुई थी, पर इस चेस्ट और मेरे बीच लावा था। और यहाँ सामने मुझे एक और रूम दिखता है पर उस रूम के और मेरे बीच भी लावा था। और अब इस रूम पे मैं आके ये सोचता हूँ कि मैं इस चेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर एक हिडन हॉपर दिखता है और इस हॉपर के अंदर से मुझे 3 कॉबल स्टोन मिलते हैं, पर मैं इस कॉबल स्टोन को लगाकर यहाँ सामने नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ ऊपर स्लैब लगे हुए थे। पर थोड़े टाइम के बाद मुझे याद आता है कि मैं इन 3 कॉबल स्टोन से स्लैब बना सकता हूँ और स्लैब लगा के मैं उस चेस्ट तक जा सकता हूँ। तो मैं इन 3 कॉबल स्टोन से स्लैब बना लेता हूँ और उस चेस्ट के पास चले जाता हूँ। और इस चेस्ट के अंदर से मुझे 3 सैंड और एक लॉग मिलता है, और अब मेरे पास काफी सारा सामान आ चुका था, पर मैं इन सारी चीजों का यूज करके भी उस तरफ नहीं जा सकता था। तभी मुझे याद आता है कि मैं इन 3 सैंड से ग्लासेस बना सकता हूँ और उन ग्लासेस से मैं बहुत सारे स्टेन ग्लासेस बना सकता हूँ। फिर मैं इन 3 सैंड को मेल्ट करके ग्लासेस बना लेता हूँ और इन ग्लासेस से मैं स्टेन ग्लासेस बना लेता हूँ। और अब मैं बिल्ड करते हुए उस तरफ चले जाता हूँ और यहाँ मुझे एक और चेस्ट दिखती है जिसके अंदर एक पंपकिन हेड रखा हुआ था, और इस वाले रूम पे 2 स्नो रखी हुई थी, एक टारगेट ब्लॉक था और एक ज़ॉम्बी था, और इस तरफ एक लावा की वॉल थी। और F5 दबा के मैं चेक करता हूँ तो उस तरफ एक रूम होता है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना है, पर थोड़े टाइम बाद मुझे समझ आ गया, अगर मैं इस पंपकिन हेड और इस स्नो की मदद से एक स्नो गोलम बनाता हूँ तो वो स्नो गोलम इस ज़ॉम्बी को मारेगा, और अगर ऐसे में उसकी कोई स्नोबॉल टारगेट ब्लॉक में लग गई तो मुझे कोई सामान मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर एक स्नो गोलम बना देता हूँ और उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है, और उसकी एक बॉल टारगेट ब्लॉक में लग जाती है और मुझे यहाँ पर एक फायर रेजिस्टेंस का पोशन मिल जाता है। तो मैं इस पोशन को पीता हूँ और उस वाले रूम पे चले जाता हूँ, पर इस वाले रूम पे कुछ नहीं था, पर यहाँ पर मुझे एक होल दिख रहा था। तो मैं F5 दबा के चेक करता हूँ कि इस होल के नीचे क्या है, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। फिर मैं इस लावा पे क्लिक करने लगता हूँ कि इस लावा के नीचे कुछ है तो नहीं, और यहाँ पर एक हॉपर होता है जिसके अंदर से मुझे एक फिशिंग रॉड मिलती है। और अब आपको ये तो पता ही होगा कि हम फिशिंग रॉड की हेल्प से किसी भी एनिमल को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो मैं इस फिशिंग रॉड की हेल्प से इस हॉर्स को ऊपर खींच लेता हूँ। और अब यहाँ पर एक और रूम था और इस रूम पे एक वाटर लिफ्ट बनी थी, तो मैं इस लिफ्ट में चला जाता हूँ और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने एस्केप कर लिया, बट मैं गलत था। यहाँ पर एक और रूम था और इस रूम पे एक लावा सोर्स था और ऑब्सीडियन बिल्कुल नेदर पोर्टल की शेप में लगे हुए थे, तो मेरे को शायद इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करना था, पर मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं था और यहाँ आसपास कुछ चेस्ट या हॉपर भी नहीं था। और फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास प्लैंक्स है और लावा और प्लैंक्स की हेल्प से मैं इस नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो मैं लावा पे प्लैंक्स रख देता हूँ और कुछ टाइम वेट करने के बाद प्लैंक्स में आग लग जाती है और नेदर पोर्टल भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर मैं इस पोर्टल से नेदर में चले जाता हूँ और यहाँ नेदर में मुझे एक बेडरॉक से बना हुआ रास्ता दिखता है, और मैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए जा ही रहा था कि मुझे एक और नेदर पोर्टल दिखता है। और फिर मैं इस नेदर पोर्टल में जाता हूँ तो ये नेदर पोर्टल मुझे बाहर ले आता है और इस तरीके से मैं इस प्रिजन को एस्केप कर लेता हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा।